द डैमेज। कहानी की शुरुआत में हमें स्कॉटलैंड का एक शहर दिखाया जाता है, जहां एबिगेल नाम की लड़की रात को जब अपने काम से वापस आ रही थी तो हम देखते हैं कि एक बंदा उसका पीछा कर रहा होता है। जब वो अपने घर के अंदर आती है तो वो बंदा उसके घर के अंदर दाखिल हो जाता है और एक चाकू से उसे बुरी तरह स्टैब कर देता है, जिससे उसकी मौत हो जाती है। उसके बाद वो एक आरी से उसकी बॉडी के छोटे छोटे टुकड़े कर देता है। कुछ देर बाद पुलिस को जब खबर मिलती है तो वो इन्वेस्टिगेशन के लिए वहां पहुंचते हैं। उसके बाद हमें यूएसए का एक शहर दिखाया जाता है, जहां पर डैन नाम के डिटेक्टिव को बुलाया जाता है एक मर्डर केस पर काम करने के लिए। जब डैन वहां पहुंचता है तो वो क्राइम सीन देखकर एक रिपोर्ट बनाता है, और जब वो घर जाने के लिए अपनी कार में बैठता है तो उसका पार्टनर उसके पास आता है, जो कि उसे वो स्कॉटलैंड वाले मर्डर की फाइल देता है और उसे बताता है कि स्कॉटलैंड में भी ठीक उसी पैटर्न में मर्डर हुआ है, यानी कि वो कातिल स्कॉटलैंड जा चुका है जिसे वो नहीं पकड़ पाया था। और तभी उसे स्कॉटलैंड की पुलिस से फोन आता है ताकि वो उनकी इन्वेस्टिगेशन में उनकी हेल्प कर सके। फिर हमें अगले दिन का सीन दिखाया जाता है, जहां हम डिटेक्टिव बॉयड को देखते हैं जिसे उन मर्डर का केस दिया गया था, और बॉयड अपनी बीवी मैरी के साथ अपने घर में होता है, जहां हम देखते हैं कि वो दोनों एक दूसरे से बहुत ज्यादा रूठे हुए हैं। मैरी उससे कहती है कि वो चाहती है कि वो उसके साथ वक्त बिताए, लेकिन बॉयड उससे कहता है कि इन मर्डर की वजह से वो शांत नहीं बैठ सकता और उसे काम पर जाना होगा ताकि वो इस केस को सॉल्व कर सके। उसके बाद वो पुलिस स्टेशन पहुंचता है, जहां पर उसे डैन मिलता है, जो कि वहां पर आ गया था उसकी मदद करने के लिए। सुपरिंटेंडेंट डैन को उस केस के बारे में बताती है कि ये मर्डर वैसे ही हुआ है जैसा कुछ साल पहले यूएसए में हुआ था। वो बताती है कि उन मर्डर के पास उन्हें कुछ सैटेनिक आइकन भी मिले हैं, जिनका मतलब क्या है उन्हें कुछ भी नहीं पता। डैन उन्हें बताता है कि जरूर ये कोई कॉपीकैट किलर है, क्योंकि यूएसए किलर सैटेनिक आइकन नहीं लगाता था। उसके बाद बॉयड डैन को उस क्राइम सीन पर ले जाने लगता है, जहां पर डैन उसकी कार में उसके परिवार की फोटो देखता है, जिसमें मैरी और उसका एक छोटा बेटा भी था। डैन उससे कहता है कि उसका परिवार बहुत अच्छा है, तो बॉयड उससे कहता है कि उसका परिवार पहले बहुत अच्छा हुआ करता था, लेकिन अभी कुछ महीने पहले उसका छोटा बच्चा मर चुका है। इसकी वजह से उसकी बीवी और उसमें अब बिल्कुल भी नहीं बनती, क्योंकि वो दोनों ही उसकी मौत से बहुत ज्यादा टूटे हुए हैं। उसके बाद वो दोनों क्राइम सीन पर पहुंचते हैं। डैन उसे बताता है कि ये पैटर्न बिल्कुल अलग है। तभी बॉयड को उसकी वाइफ का कॉल आता है, जो कि उसे घर आने के लिए कहती है, तो वो उसे इनकार कर देता है, और डैन खिड़की से उसकी सारी बातें सुन रहा था। तभी बॉयड को एक नेबर नजर आता है, जो कि डस्टबिन पर अपने जूते रखता है और अंदर जाता है, और ये देख कर उसे काफी ज्यादा अजीब लगता है। वो उसके पास जाता है पूछताछ करने के लिए। तब वो उससे कहता है कि वो कोई भी सवाल का जवाब नहीं देने वाला, अगर उसके पास वारंट है तो वो वारंट लेकर आए। ये सुनकर बॉयड समझ जाता है कि जरूर यहाँ पर कुछ गड़बड़ है, और तभी वो दूसरी नेबर को देखता है, जो कि उसे अपने पास बुलाती है, और वो उसे बताती है कि दरअसल उस नेबर का नाम एवरी है और वो बहुत ही बुरा इंसान है। जो लड़की यहाँ पर मरी है, दरअसल उससे उसकी बहस हुई थी। कुछ दिन पहले किसी ने एवरी के कार पर अंडा फोड़ दिया था, जिसकी वजह से उसे लग रहा था कि शायद ये एबिगेल का काम है, इसीलिए उन दोनों में काफी ज्यादा लड़ाई हुई थी, और एवरी ने यह भी कहा था कि वो उसे जान से मार डालेगा। बॉयड यह सुनकर हैरान हो जाता है, और इधर बॉयड की वाइफ उसका इंतजार कर रही होती है, लेकिन बॉयड अपने काम में बिजी होता है, इसीलिए वो उससे मिलने नहीं आ पाता। रात को बॉयड जब अपने घर पर पहुंचता है तो उसकी वाइफ लाइट बंद करके सो जाती है, और बॉयड अपने परिवार की फोटो देख कर रोने लगता है और याद करता है कि कैसे वो लोग खुशी खुशी रहा करते थे। इधर वो कातिल फिर से एक लड़की के घर जाता है, जहां पर वो उसे जान से मार डालता है, और उसकी लाश को भी वो उसी तरह काटता है जैसे उसने पहली लाश को काटा था। इधर डैन को याद आता है कि उसका एक्स पार्टनर ब्रावो भी यहां पर रह रहा है, इसीलिए वो फैसला करता है कि वो उससे इस केस में मदद मांगेगा। वो बॉयड को लेकर वहां पर निकल जाता है, और डैन उससे पूछता है कि उसकी लाइफ कैसी चल रही है, तो बॉयड उससे बताता है कि उसकी लाइफ बिल्कुल भी अच्छी नहीं चल रही। उसकी वाइफ ने उसे चीट किया था, और उसके बाद उसका बेटा मर गया, जिसकी वजह से वो अपनी वाइफ को बिल्कुल भी माफ नहीं कर सकता। उसके बाद वो रास्ते में एबिगेल के नेबर का घर देखते हैं, तो वो उसे पकड़ने के लिए जाते हैं, और जब वो उसे पकड़ते हैं तो वो बंदा उन्हें बताता है कि उसने वो मर्डर नहीं किया है, जिससे उन दोनों को लगता है कि शायद वो सच बोल रहा है, इसीलिए वो उसे छोड़ देते हैं। उसके बाद बॉयड वापस अपने घर चला जाता है और सो जाता है, और अगली सुबह जब वो उठता है तो उसकी वाइफ उससे कहती है कि क्यों ना वो
अपने अमेरिकन दोस्त को डिनर पर बुलाए तो बॉयड उससे कहता है कि ये बहुत ही अच्छा आइडिया है। तभी बॉयड को कॉल आता है और उसे पता चलता है कि कल रात एक और लाश मिली है और वो तुरंत वहां पर पहुंच जाता है। वो लाश सेम उस कातिल ने उसी पैटर्न में काटी थी। उसने उस लड़की का सर, हाथ और पैर एक साथ जोड़ दिए थे और उसका बीच का अंग पूरी तरह गायब था। वहां पर भी उन्हें वो सैटेनिक साइन मिलता है जिसे देखकर वो हैरान हो जाते हैं और पता लगाने लगते हैं कि आखिर उस सैटेनिक साइन का मतलब क्या है। जब वो एबिगेल के घर वापस जाते हैं तो उन्हें वहां पर एक बुक मिलती है और जब वो उस बुक को पढ़ते हैं तो उन्हें पता चलता है सैटेनिक कल्ट का साइन है। उसके बाद वो उस लड़की की माँ से बयान लेते हैं जहाँ उसकी माँ उसे बताती है कि उस लड़की की किसी से भी दुश्मनी नहीं थी लेकिन उसका एक एक्स बॉयफ्रेंड हुआ करता था जिसका नाम था कॉलिन मैकग्रेगर और वो उसे काफी अच्छा लगता था लेकिन उसकी बेटी ने उससे ब्रेकअप कर लिया था। ये सुनकर बॉयड मैकग्रेगर की डिटेल्स निकालता है और उसे पता चलता है कि मैकग्रेगर बिल्कुल भी अच्छा इंसान नहीं है। उसके पास एक लाइसेंस्ड गन भी है जिसका इस्तेमाल वो शायद मर्डर करने के लिए करता है। इधर रात को डैन अपने एक्स पार्टनर ब्रावो से मिलता है और उससे मिलकर वो काफी ज्यादा खुश हो जाता है। वो दोनों आपस में बातें करने लगते हैं कि कैसे जब वो साथ केस में काम किया करते थे तो वो हर एक केस को सॉल्व कर लिया करते थे। ब्रावो डैन से कहता है कि आखिर वो इतना दारू क्यों पी रहा है तो वो उसे बताता है कि जब से सारा मर गई है तब से उसे सदमा लग गया है और वो दारू के बिना बिल्कुल भी नहीं रह सकता। इससे हम जान पाते हैं कि दरअसल उस कातिल ने उसकी वाइफ को जान से मार डाला था जिसका जिम्मेदार वो खुद को मानता था, इसीलिए डैन हमेशा दारू पीता रहता था। अगली सुबह बॉयड मैकग्रेगर के घर जाता है उससे पूछताछ करने के लिए तो मैकग्रेगर उससे कहता है कि वो उसकी बात का कोई भी जवाब नहीं देना चाहता। वो अपनी वकील को बुलाएगा और उसके बाद ही वो कोई जवाब देगा। उसके बाद वो मैकग्रेगर के खिलाफ वारंट निकलवा कर उसे इंट्रोगेशन रूम में बुलाते हैं ताकि वो उससे पूछताछ कर सके। बॉयड मैकग्रेगर से पूछता है कि आखिर उसका रिलेशनशिप कितने साल का था तो वो उसे बताता है कि वो कुछ महीने पहले ही मिले थे। वो देखता है कि मैकग्रेगर को उसकी मौत से जरा भी दुख नहीं है और जब वो उससे पूछता है तो मैकग्रेगर उससे कहता है कि उसे इससे कुछ भी नहीं लेना देना। अब उनके पास मैकग्रेगर के खिलाफ कोई सबूत नहीं होता इसीलिए वो उसे जाने देते हैं। उसके बाद वो मैकग्रेगर के बारे में और रिसर्च करते हैं जहाँ उन्हें पता चलता है कि वो एक कल्ट का मेंबर है। इसका सेम वही साइन है जो कि उस कत्ल की जगह पर मिलता है। रात को वो सभी ब्रावो से मिलते हैं जहाँ वो उससे उस साइन के बारे में पूछते हैं तो ब्रावो बताता है कि ये कल्ट का साइन है और इन लोगों ने क्रिश्चियन छोड़ दी है और पैगन्स को अपना लिया है। ये सुनकर डैन उससे कहता है कि यानी ये कातिल साइन वहाँ पर इसीलिए बनाता है क्योंकि उसका मानना है कि वो जिन लड़कियों को मार रहा है वो उन्हें किसी और लाइफ में भेज रहा है। इधर मैकग्रेगर बॉयड के घर के बाहर पहुँचता है जहाँ पर वो उसकी वाइफ को देखने लगता है। उसे देखकर वो दूर से ही अपने आप को प्लेजर देता है और वहाँ से चला जाता है। अगले दिन बॉयड उस कल्ट के पास पहुँचता है ताकि वो मैकग्रेगर के बारे में पूछ सके और जब वो उनके लीडर से मिलता है तो वो उससे कहता है कि वो इस बारे में उन्हें कुछ भी नहीं बता सकता। वो उसे वहाँ से भगा देता है और बॉयड को वहाँ से जाना पड़ता है। रात को बॉयड ब्रावो और डैन को डिनर पर लेकर आता है जहाँ उसकी वाइफ उनसे मिलकर बहुत खुश होती है। उसकी वाइफ जब सामान लेने के लिए जाती है तो ब्रावो भी उसकी मदद करने के लिए किचन में चला जाता है और डैन दूर से उन दोनों को देख रहा होता है कि वो काफी नजदीक आ रहे हैं। मैरी जब ये देखती है तो वो समझ जाती है कि वो उसे किस नजर से देख रहा है और डैन बॉयड से कहता है कि वो बिल्कुल संभल कर रहे। मैरी ये सुनकर गुस्सा हो जाती है और उससे कहती है कि वो जानती है कि वो ये क्यों कह रहा है। रात को जब बॉयड सोने के लिए जाता है तो मैरी उसके पास आती है और उससे कहती है कि वो भी अपने बच्चे को हमेशा याद करती रहती है तो वो उससे माफी मांगती है जो भी पास्ट में उसने उसके साथ किया और बॉयड उसे माफ कर देता है और उससे कहता है कि अब वो एक नई शुरुआत करेंगे। वो उससे पूछती है कि क्या उसने डैन को उसके रिलेशनशिप के बारे में बताया था तो वो उससे कहता है कि उसके मुंह से वो बात निकल गई। ये सुनकर वो उसे माफ कर देती है और उसे गले लगा लेती है। अगली सुबह जब वो दोनों उठते हैं तो हम देखते हैं कि अब वो दोनों एक दूसरे से बहुत ज्यादा प्यार करने लगे थे और डिसाइड करते हैं कि ये केस जब सॉल्व हो जाएगा तो वो दोनों शहर से दूर कहीं ट्रिप मनाने जाएंगे। उसके बाद जब वो काम पर जाता है तो वहाँ वो उस केस को डैन से डिस्कस करता है। तभी वहाँ पर वो नेबर आती है जो उन्हें बताती है कि जब एबिगेल मरी थी तो एक बंदा ट्रक से कुछ सामान लेकर जा रहा था। जब वो उसे मैकग्रेगर की फोटो दिखाते हैं तो वो बताती है कि यही वो बंदा था जो कि उसके घर से सामान ले जा रहा था।
था और ये देखकर वो समझ जाते हैं कि मैग्रेगर ही असली कातिल है। वो तुरंत मैग्रेगर को ट्रैक करते हैं और उसे गिरफ्तार कर लिया जाता है, लेकिन उनके पास अभी पूरा सबूत नहीं था जिससे वो साबित कर सके कि मैग्रेगर ही कातिल है। रात को बॉयड जब अपने घर पहुँचता है तो उसे उसकी वाइफ कहीं पर नजर नहीं आती। वो पूरे घर में उसे ढूंढता है लेकिन उसकी वाइफ उसे नहीं मिलती, और जब वो उसे कॉल करता है तो एटिक से उसके फोन की रिंगटोन सुनाई देती है। जब वो एटिक में पहुंचता है तो वहां पर वो अपनी वाइफ की लाश को पाता है जिसे उस कातिल ने उसी पैटर्न में काटा था जैसे कि बाकी लड़कियों को काटा था। ये देखकर वो हैरान हो जाता है और तुरंत पुलिस को बताता है, जिससे पुलिस वहां पर आकर इन्वेस्टिगेशन करने लगती है। बॉयड अपनी वाइफ की फोटो देखकर रोने लगता है क्योंकि उसे उसकी बहुत ज्यादा याद आ रही थी। अगले दिन वो ब्रावो से मिलता है तो ब्रावो उससे कहता है कि वो इस केस को सॉल्व करने में उसकी मदद करना चाहता है, तो वो उसको इसके बारे में उसे अच्छे से बताए। बॉयड उससे कहता है कि उसने उसकी वाइफ को मारा है तो वो उसे जान से मार डालेगा। वो उससे कहता है कि उसे जान से मारने के लिए पहले उसे पकड़ना होगा। तभी उसे डैन फोन करता है और उसे बताता है कि उसकी वाइफ का जो बीच का बॉडी पार्ट है वो मिल चुका है। और जब वो वहां पर पहुंचता है तो अपनी वाइफ के कटे हुए बॉडी पार्ट को देखकर वो हैरान हो जाता है। इधर सुपरिंटेंडेंट मैग्रेगर से इन्वेस्टिगेशन कर रही थी जहां वो उससे पूछती है कि आखिर उसने अपनी गर्लफ्रेंड को क्यों मारा। तो मैग्रेगर उससे कहता है कि उसने अपनी गर्लफ्रेंड को मारा ही नहीं है। वो उससे पूछती है कि क्या अमेरिका में भी उसने ही मर्डर किए हैं, तो वो कहता है कि उसने कोई मर्डर नहीं किए, अमेरिका उसकी फेवरेट प्लेस है इसीलिए वो वहां पर घूमने जाता रहता है। एक बार जब वो लंदन गया था तो उसे एक फॉरेनर मिला था और उन दोनों ने साथ में दारू पी थी, जहां पर उसने अमेरिका के मर्डर के बारे में उसे बताया था। वो उससे पूछती है कि आखिर वो बंदा दिखता कैसा था, तो वो बताता है कि उसे उसकी शक्ल कुछ ढंग से याद नहीं। तभी वहां डैन आता है और उससे इंट्रोगेशन करने लगता है, लेकिन मैग्रेगर का यही कहना था कि उसने उन लड़कियों को जान से नहीं मारा है। मैग्रेगर के खिलाफ उनके पास कोई सबूत नहीं होता इसीलिए वो उसे छोड़ देते हैं। उसके बाद डैन बॉयड को लेकर एक रेस्टोरेंट में जाता है जहाँ पर वो मिलकर दारू पीने लगते हैं, और बॉयड उससे कहता है कि वो जो कोई भी कातिल है वो उसे जान से मार डालेगा, उसने उसकी वाइफ को उससे छीन लिया है। डैन उसे बताता है कि उसकी भी एक वाइफ थी जिसका नाम सारा था और उसे भी सेम इसी पैटर्न में मारा गया था। वो दोनों उस कातिल से बदला लेना चाहते हैं इसीलिए वो उसे हंट करेंगे। अब वो डिसाइड करते हैं कि वो मैग्रेगर को पकड़कर उससे सच उगलवाएंगे। और रात को मैग्रेगर जब पार्टी में होता है तो एक कातिल उसके पास आकर उसे स्टैब करके जान से मार डालता है। अगले दिन बॉयड जब उठता है तो वो मैग्रेगर के सेड की ओर जाता है क्योंकि जब एबिगेल का मर्डर हुआ था तो उसे वहां पर एक की मिली थी, और वो ये देखने के लिए जा रहा था कि वो उसके सेड की है या नहीं। जब वो उस की को ताले में लगाता है तो वो ताला खुल जाता है और वो समझ जाता है कि वो मैग्रेगर की ही की थी। ये बात वो अपने ऑफिसर को बताता है और वहां पर बैकअप टीम आने लगती है। उसके बाद जब वो सेड के अंदर जाता है तो वहां उसे मैग्रेगर की लाश मिलती है, जिसे देखकर वो समझ जाता है कि मैग्रेगर को किसी और कातिल ने उसी पैटर्न में मार डाला है। उसे वहां पर उन लड़कियों की फोटोज भी मिलती हैं, जिससे वो जान पाता है कि उन दोनों लड़कियों को मैग्रेगर ने ही मारा था। लेकिन अब मैग्रेगर को किसने मार दिया वो ये बात पता लगाना चाहता था। उसे वहां पर एक चिट भी मिलती है जिस पर लंदन लिखा हुआ था, और जब डैन और वो अच्छे से छानबीन करते हैं तो उन्हें पता चलता है कि दरअसल वो एक कंपनी का नाम है, और उन्हें वहां पर ब्रावो की फोटो भी मिलती है जो कि मैग्रेगर के साथ थी, जिससे उन्हें लगता है कि शायद ब्रावो ही कातिल है। तभी डैन ब्रावो को फोन करके उसे अपने होटल में बुला लेता है, और बॉयड को जब ये पता चलता है तो वो वहां पर आने लगता है ताकि वो डैन की जान बचा सके। जब ब्रावो वहां पर पहुंचता है तो डैन उसे अपनी बीवी के नेकलेस दिखाता है और उसे कहता है कि ये वो नेकलेस है जो उसने उसकी बीवी सारा को दिया था। ये देखकर ब्रावो हैरान हो जाता है और उससे पूछता है कि आखिर वो कहना क्या चाहता है, तो वो उससे कहता है कि वो जानता था कि उसकी वाइफ उससे चीट कर रही है, और वो वही आदमी था जिसके साथ वो रिलेशनशिप में थी इसीलिए उसने अपनी वाइफ को जान से मार डाला, और उसके साथ उसने उन सारे लोगों को भी मारा जो भी उसकी मदद कर रहे थे। ये सुनकर ब्रावो समझ जाता है कि दरअसल अमेरिका में जो मर्डर हुए थे वो किसी और ने नहीं बल्कि उसके पार्टनर डैन ने किए थे, वो भी सिर्फ इसीलिए क्योंकि उसकी वाइफ उसे चीट कर रही थी। ब्रावो उससे कहता है कि वो उसकी वाइफ से बहुत ज्यादा प्यार करता था, लेकिन तभी वो उसे सूट कर देता है जिससे वो नीचे गिर जाता है। जब बॉयड वहां पर आता है तो डैन उससे कहता
कहता है कि वह उसे जान से मार डाले, लेकिन मरते समय ब्रावो उससे कहता है कि वह उसकी वाइफ से प्यार करता था, इसीलिए उसके मरने के बाद उसने नौकरी छोड़ दी थी। ये सुनकर बॉयड हैरान हो जाता है और तभी वो वहाँ पर खून से लथपथ नेकलेस को देखता है, जिसे देखकर वो समझ जाता है कि ये डैन को बिलोंग करते हैं और असली कातिल डैन ही है। जब वो डैन का ड्रॉवर खोलता है तो उसे वहाँ पर कई सारे पासपोर्ट्स मिलते हैं और उसका असली नाम डैन नहीं बल्कि अलेक्जेंड्रो था। वो तुरंत उसका पीछा करता है, लेकिन तभी डैन उसकी गाड़ी का एक्सीडेंट करवा देता है जिससे वो जख्मी हो जाता है। जब उसकी आंखें खुलती हैं तो वो बाहर निकलता है उसे पकड़ने के लिए और उन दोनों में शूटिंग चलती रहती है, लेकिन तभी डैन उसके पीछे आकर उस पर गन तान देता है और उससे कहता है कि वो हार गया। बॉयड उससे पूछता है कि आखिर उसने उसकी बीवी को क्यों मारा, तो वो उससे कहता है कि ये सारी लड़कियां एक जैसी होती हैं, वो उन्हें चेट करती हैं जिसकी वजह से वो टूट जाते हैं। और जब उसने उसे बताया था कि उसकी वाइफ उसे चेट करती है तो उसने ठान लिया था कि वो उसकी वाइफ को मार कर ही रहेगा, क्योंकि वो एक चीटर थी और वो यही डिजर्व करती थी। वो उससे कहता है कि वो उसे दोबारा मिलेगा और वहां से चला जाता है। उसके बाद बॉयड उसे पकड़ने की कोशिश करता है, लेकिन वो उसे नहीं पकड़ पाता और तभी बॉयड को उसकी चीफ का फोन आता है जो उसे बताती है कि अब उसे नौकरी से निकाल दिया गया है क्योंकि उसने उसके ऑर्डर फॉलो नहीं किए थे और वो रूल्स के खिलाफ जाकर उसे पकड़ने गया था। यह सुनकर बॉयड हैरान हो जाता है और उसे कहता है कि चाहे कुछ भी हो जाए वो डैन को पकड़ कर ही लाएगा। इधर हम डैन को देखते हैं जो अब दूसरी कंट्री में था और वो हंसता है। तो दोस्तों, अगर आपको ये एक्सप्लेनेशन पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना। टिल देन टेक केयर, लव यू, बाय बाय।